हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिशा, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी यहाँ बज रहा है 4 शाम का और मैं बना रही हूँ चाय शाम की, और साथ में मुझे कुछ कपड़े क्लीन करने हैं, ब्लैंकेट वगैरह क्लीन करना है। तो मैं चाय चढ़ाने के बाद में वो सब इकट्ठा करके रखी हूँ एक जगह, क्योंकि हम लोग नीचे जाते हैं लगाने के लिए। हम लोग का जो फ्लोर है 5वें फ्लोर पर रहते हैं, और ये मेरा जो बिल्डिंग है वो 6-7 फ्लोर का है, 7 फ्लोर का है। तो नीचे हम लोग का वॉशर एंड ड्रायर नीचे है, रूम में नहीं है, बहुत अपार्टमेंट में ही रहता है। लेकिन हम लोग का जो है ये बेसमेंट है, वहाँ पर एक हॉल है बड़ा सा, तो वहाँ 10-12 ड्रायर और 10-12 वॉशर, यहाँ पे वॉशर और ड्रायर अलग अलग होते हैं, तो वहाँ कॉमन है। सब पूरी बिल्डिंग के लोग यहीं पे आके अपना क्लीन करते हैं, तो कभी कभी नहीं भी मिलता है, भरा रहता है। जैसा टाइमिंग पे आप आओ तो अक्सर मिल जाता है, ऐसा कभी नहीं रहता है कि नहीं मिले, खाली ना मिले। और क्योंकि सब अलग अलग, कोई सुबह करता है, कोई दोपहर में करता है, कोई रात में करता है, कोई शाम में करता है। तो यहाँ पे मैं 2 लॉट लगाने थे मुझे, 2 मतलब वॉशर में लगाने हैं मुझे। एक में ब्लैंकेट डालेंगे हम लोग और एक में नॉर्मल कपड़ा, क्योंकि यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि हाई हीट से साफ़ करना है या फिर नॉर्मल पानी से साफ़ करना है। तो कपड़े तो मैं नॉर्मल से करती हूँ, लेकिन ब्लैंकेट वगैरह थोड़ा गर्म पानी वाले से करो तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे वॉशर और ड्रायर अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से अलग अलग पैसे भी लगते हैं। अभी मैं आगे बताती हूँ कि कितना पैसा लगता है। और ये देखिए पाइपलाइन है, और यहाँ बेसमेंट में ही एक लॉकर देते हैं हम लोग को, लॉकर नहीं मतलब ये स्टोर देते हैं, ऐसे ही जनरल स्टोर। आप कुछ भी सामान आपका यूज़ वाला ना रहे या फिर आप कभी कभी यूज़ करते हैं तो यहाँ पे लाके रख सकते हैं, अपना की लगा के अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक ब्लैंकेट रख दिए थे, क्योंकि समर में बहुत काम नहीं आता है, अभी विंटर आ गया है, तो लग रहा है अभी कि काग ब्लैंकेट और होना चाहिए। रात बात में ठंडा, यहाँ बहुत टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है, तो अभी उसके लिए मैं लेके आई हूँ वो क्लीन करने के लिए। और यहाँ पे आप $2.50 लगता है वॉशर का, $2.50 लगता है क्लीन होने ड्राई करने का, तो अलग अलग पे करना पड़ता है। अगर अपार्टमेंट में रहता, अपनी बिल्डिंग मतलब मेरे फ्लैट में अंदर रहता, तो वो बिजली का बिल उसका आता है, और अगर नीचे जाके क्लीन करना है तो फिर आपको पैसा पे करना होता है। तो यहाँ पे मेरी हम लगा के आ गए हैं, और 30 मिनट लगेगा उसको क्लीन होने में। मोबाइल में पता चल जाता है, ऐप डाउनलोड करके रखते हैं तो पता चल जाएगा कि मेरा क्लीन हो गया है। तो फिर यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, जब मैं आई तो मेरी चाय पक गई थी, क्योंकि सिर्फ लगा के आना ही था, और तुरंत आके फिर चाय हम लोग छाने और पी के फिर जब रिटर्न हम लोग बाहर निकलना है, तो बाहर जा रहे थे तो हम लोग को लगा चलो पहले, इसलिए मैं थोड़े रेडी होके जैकेट वैकेट पहन के आई हूँ। अब मैं ये जो क्लीन कपड़ा है उसको निकाल के ड्रायर में डाल के फिर हम लोग बाहर चले जाएंगे, क्योंकि ड्रायर में 40 मिनट सूखने के लिए लगेगा, और यहाँ भी आपको $2.50 देना होता है। मतलब एक लॉट कपड़ा अगर आप साफ़ करते हैं, वॉश करते हैं और ड्राई करते हैं, तो $5 लगता है। $5 मतलब इंडिया का 350-400 के करीब हो जाएगा, तो हम लोग 2 लगाए हैं तो समझिए $10 हुआ। $10 मतलब 750-700 के करीब कपड़ा साफ़ करने का यहाँ पे इतना लग जाता है एक बार का। और फिर अब हम लोग बाहर निकल रहे थे, तो कुछ कुछ ऐसे कार्टून वगैरह कचरा वगैरह था, तो बाहर वो भी फेंकना था, वो फेंक के फिर निकलते हैं बाहर। और यहाँ पे अभी 4:30 बज रहा है और बाहर एकदम उजाला है, लेकिन ये देखने भर का है। वॉलमार्ट हम लोग जा रहे हैं, वॉलमार्ट हम लोग के घर से बहुत पास है, बट मैं जब वहाँ पहुँचूंगी तो आप लोग देखिएगा कितना अंधेरा हो जाता है। सिर्फ ये देखने भर का दिन रहता है। और अभी देखिए तुरंत हम लोग 5 मिनट में ही पहुंच गए थे, लेकिन देखिए एकदम अंधेरा हो गया। अभी आप चलती हैं स्टोर में और जो मुझे लेना है वो ले लेते हैं, फिर मैं घर पे दिखाती हूँ कि मैं क्या ली हूँ। तो एंटर करते ही बनाना फ्रेश दिखा था हम लोग को, तो बनाना ख़त्म भी हो गया था, तो एक वो लिए। और यहाँ पे बनाना वज़न के हिसाब से ही मिलता है, जैसे इंडिया में दर्जन के हिसाब से मिलता है, यहाँ पे वो भी वज़न के हिसाब से ही मिलता है। और इस काउंटर से मुझे कुछ कुछ लेना था, ये मिक्सर वगैरह है, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे कि जो चाहिए वो है या नहीं है, या फिर कितने प्राइस में है, या फिर कितनी वैरायटी में है,
तो वो सब देख लिए थे और यहाँ से ले भी लिए हैं और बिलिंग वगैरह करा के अब निकल गए हैं घर के लिए। फिर घर पहुँच जाते हैं तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ वहाँ पर। अब चल के खाना वाना बनाना है और कपड़े भी शायद क्लीन हो गए हैं क्योंकि फ़ोन में मैसेज आ गया था कि क्लीन हो गया। वही मैं यहाँ बता रही थी तो आवाज़ क्लियर नहीं थी, तो मैं आवाज़ म्यूट करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पे कपड़े वगैरह क्लीन हो गए थे तो मैं अपना बकेट में डाल, जस्ट मैं अभी आई रही हूँ वॉलमार्ट से और क्या ली हूँ मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद खाना वगैरह करती हूँ। खाने में पनीर की सब्जी बना दी थी सुबह ही दोनों टाइम के लिए, तो सिर्फ रोटी बनानी है। तो पहले दिखा देती हूँ तो फिर बनाती हूँ उसके बाद। तो ये तो बनाना है सिर्फ, एक हम लोग लिए थे ख़त्म हो गया था। और ये मुझे एक चॉपर चाहिए था ऐसे चॉपिंग वगैरह में, जैसे चीला वगैरह बनाते हैं तो टमाटर प्याज मिर्ची बहुत बारीक चॉप चाहिए था, उसको काटने में बहुत टाइम लगता है मुझे, तो फिर मुझे लगा चलो एक ट्राई करते हैं। ये हम लोग थैंक्सगिविंग का वेट कर रहे थे, शायद ऑफर में आता तो सस्ता हम लोग को मिलता, बट नहीं कोई ऑफर नहीं था तो यही ले लिया। अभी मैं खोलती हूँ तो फिर दिखाती हूँ, यूज़ करूँगी तो फिर बताऊँगी कि कैसा है, ये यूज़फुल है या फिर नहीं। ये शायद इसमें ऐसे ही डाल देना होगा बड़ा बड़ा पीस, और फिर ये है वायर इसका, और सिर्फ स्टार्ट कर देने पे शायद चॉप हो जाए। अभी मैं यूज़ करूँगी तो फिर देखती हूँ कैसा रहता है। और एक बॉटल लिया है ये पानी के लिए। तो सुबह में मैं पालक पनीर बनाई थी और चावल बनाई थी, तो वो दोनों थे तो फिर मुझे रोटी आटा लगाई और रोटी बनाना था, रोटी बना रही हूँ यहाँ पे, और थोड़े से चावल है थोड़ा सा दही, ये तीन लेके खा लेंगे हम लोग। क्योंकि रोटी सब्जी कितना भी कम बनाओ दो जन है तो बच ही जाता है, और रोटी है फ्रेश फ्रेश बनाते हैं तुरंत तुरंत खाते हैं, तो रोटी का अंदाज़ा मिल जाता है, जितनी भूख रहती है उतनी ही सेकती हूँ फिर। तो वो सारे बचे हुए थे तो मुझे आराम मिल गया, ज़्यादा पूरा खाना नहीं बनाना है, सिर्फ रोटी आटा लगाई और रोटी बना लेती हूँ। फिर उसके बाद सारे कपड़े अभी फ़ोल्ड करने हैं, वो सब मैं खाने के बाद फ़ोल्ड करूँगी, तुरंत ही फ़ोल्ड कर लेती बट भूख लग गई थी तो फिर वो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं, अगर फ़ोल्ड करने बैठती तो आधे घंटे लग जाते हैं। तो फिर खाना वाना कर लेते हैं, बर्तन वर्तन क्लीन कर लूँगी यहाँ पर अब, और थोड़ा गैस वगैरह भी क्लीन करना है, ये सारा काम कर लेती हूँ। और फ़िल्टर वगैरह भी बहुत सारे काम हैं, बॉटल जो ले आई हूँ मैं वो धोऊँगी, फ़िल्टर का पानी ख़त्म हो गया है वो फ़िल्टर लगाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे नल का पानी हम लोग ये यूज़ नहीं करते हैं, फ़िल्टर ले मतलब छोटा सा है, मैं किसी वीडियो में दिखाई हूँ, अभी मैं दिखाती हूँ ऐसा होता है, इसमें फ़िल्टर एक लगता है वो चेंज करना पड़ता है, वो ख़रीद के लेके आते हैं हम लोग, चेंज करते रहते हैं उसको एक एक डेढ़ डेढ़ महीने पर, क्योंकि ये रेंटेड अपार्टमेंट है तो हम लोग फ़िल्टर खुद से नहीं लगा सकते हैं यहाँ, मतलब अलाउ नहीं करते हैं लगाना, क्योंकि उनको फिर हम लोग छोड़ेंगे तो किसी और को देना होता है, उनको कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए, तो इसलिए हम खुद का नहीं लगा सकते हैं। तो ये ऐसे ही मिलता है यहाँ पे, लोग यहाँ पे नॉर्मल यही सब घर में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा सारा काम वगैरह सब हो गया, अब देखिए इतने सारे कपड़े ब्लैंकेट सब पड़े हुए हैं, अब मैं आराम से टीवी देखूँगी और यहाँ बैठ के फोल्ड करूँगी, और टीवी में कपिल शर्मा का शो चल रहा है और ऐसे हम लोग बात भी कर रहे हैं और काम भी हो जाएगा। के बाद ये चॉपर मैं देख रही थी कैसे काम करता है, बट इसका बटन ही नहीं काम कर रहा था, मुझे लगा ख़राब हो गया वापस ही करना पड़ेगा, तो मैं निकाल के रख दी, बट फिर मेरे हस्बैंड देखे तो फिर वो ठीक कर दिए, एकदम अच्छे से चॉप कर रहा है, बहुत आराम मिल गया है इससे, काम बहुत ही इजी हो गया है। और अब थोड़ा सा हम लोग, रात हो गई है, थोड़ा सा मैं खाऊंगी केक, ये एनिवर्सरी का केक था बचा हुआ था, तो अपने वीडियो का एंड मैं यही करती हूँ, मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।